प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। ओ तभी इस चैप्टर में जो फॉर्म नंबर यूज होता है उसको बोलते हैं पास, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। यम्मी, सेक्शन 23 से लेकर के 42 बस। शेयर इशू के अलग अलग टाइप्स होते हैं दोस्तों, पढ़ाया हुआ है सब चार्ट में। 23 और 24 का चार्ट खुद से ऑब्जर्व कर लीजिए। शेयर इशू, पब्लिक इशू, शेयर इशू पब्लिक इशू, नाम से पता चल रहा है ना, मैंने शेयर सर इशू ऑनली टू पब्लिक, जैसे आईपीओ शेयर इशू टू पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम। फर्दर पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं, एफपीओ बोलते हैं ना, एफपीओ का फुल फॉर्म फर्दर पब्लिक ऑफर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। व्हेन शेयर्स आर इशू टू पब्लिक इसको सब्सिक्वेंट। और ओएफएस में पता है ना क्या होता है, पब्लिक को शेयर बेचा जा रहा है बट कंपनी फ्रेश इशू नहीं लेकर के आया है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लाइक प्रमोटर लोग से शेयर खरीद करके, प्रमोटर खरीद करके क्या उन्हीं लोग का शेयर पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। व्हेन कंपनी ऑफर्स अ शेयर्स टू पब्लिक ऑन बिहाफ ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लाइक प्रमोटर, इट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। आईपीओ में कंपनी के पास रुपया आएगा, एफपीओ में कंपनी के पास रुपया आएगा, क्योंकि कंपनी फ्रेश इशू ला रहा है शेयर का, लेकिन ऑफर फॉर सेल में कंपनी शेयर इशू नहीं कर रहा, कंपनी जो शेयर पब्लिक को बेच रहा है वो किसी और के बिहाफ पर बेच रहा है, लाइक प्रमोटर्स के बिहाफ पर बेच रहा है। तो जो रुपया आएगा पब्लिक से, इश्यू एक्सपेंसेस काट करके हम लोग प्रमोटर को दे देंगे या जिसका शेयर था उसको दे देंगे। राइट इशू बोनस इशू तो पब्लिक प्राइवेट दोनों ही कर सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी तो दोनों ही कर सकता है। पता होना चाहिए कंपनी दो प्रकार के होते हैं, लिस्टेड या ऐसा अनलिस्टेड विच हैज अप्लाइड फॉर लिस्टिंग, और एक टोटली क्या अनलिस्टेड विच हैज नॉट अप्लाइड फॉर लिस्टिंग ऑल्सो। जो अनलिस्टेड है वो तो पूरा का पूरा कंपनी से को फॉलो करेगा क्या, जो अनलिस्टेड है वो तो पूरा का पूरा किसको फॉलो करेगा, कंपनी से। लेकिन जो लिस्टेड है या जिसने अप्लाई कर दिया लिस्टिंग के लिए वो किसको फॉलो करेगा पता है, सेबी। वो सेबी को फॉलो करेगा केवल दो मैटर, इशू एंड ट्रांसफर सिक्योरिटी या नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बाद के मैटर में वो कंपनी से को ही फॉलो करेगा। रिपीट, जो लिस्टेड है या जो लिस्टिंग के लिए क्या कर दिया अप्लाई, वो सेबी को हर मैटर पे फॉलो करता है कि दो मैटर, जब मामला रहता है इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी का नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड का, रेस्ट मैटर पे कंपनी सर। और जो अनलिस्टेड है वो तो सेबी को जानता ही, वो तो सब मैटर पे किसको फॉलो करेगा, कंपनी सर। अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 26 में जनरल फाइनेंशियल स्टैट्यूटरी हट गया, स्टैट्यूटरी है जनरल फाइनेंशियल हट गया। सेक्शन 26, अच्छा एक चीज याद रखना, सीए इंटर नवंबर टर्म जो पढ़ रहा है नवंबर 18, ये रिवीजन तो नवंबर 18 मई 19 सब लोग देख रहे हैं, नवंबर 18 का अमेंडमेंट 30 अप्रैल तक है, और अगर तुमको 7 मई का भी अमेंडमेंट आता है तो तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। इंस्टीट्यूट का क्या स्टैंड है कि बच्चे 30 अप्रैल तक का अमेंडमेंट तो कंपल्सरीली करके आए, उसके बाद भी अगर तुम अमेंडमेंट वाला प्रोविजन लिख रहा है तो मार्क्स कट जाएगा क्या, और पुराना वाला प्रोविजन लिख रहा है तो भी मार्क्स नहीं कटेगा, पर 30 अप्रैल तक जो अमेंडमेंट्स आ चुके हैं उसका पुराना प्रोविजन लिखेगा तो काट करके फेंक देंगे। तो नया क्या बोला जा रहा है, बहुत कंफ्यूजन रहता है सर, एक बार फिर से 30 अप्रैल इंस्टीट्यूट ने कट ऑफ डेट अनाउंस किया 30 अप्रैल, अभी तीन चार दिन पहले जब आरटीपी आया 30 अप्रैल इज अ कट ऑफ डेट, 30 अप्रैल तक का जो भी अमेंडमेंट है वो तो करना कंपलसरी है बॉस, उसके बाद का अगर अमेंडमेंट तेरे को आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो भी वेल एंड गुड, तुम पुराना भी लिख सकता है नया भी लिख सकता है। समझ में आया क्या बोला गया, सर 30 अप्रैल तक का पुराना लिखेगा तो काट देंगे, समझ गए सर, डज इट क्लियर योर डाउट्स। अब एक बात बताना, प्रोस्पेक्टस में जो अमेंडमेंट आया उसके कारण तो एक पन्ना हट गया, पहले मेरा मैट में देखो एक डेढ़ पन्ना चल रहा होगा लंबा, दो पन्ना जा रहा होगा, वो दो पन्ना हट गया, देखो हम लोग सीधा यहां आ गए थर्डली में आ गए, और पुराना मैटर देखो थर्डली एक दो पन्ना के बाद आएगा, कैसे बच्चे आया, तो तेरा डेढ़ पन्ना तो कम हो गया, तो अब जो गोगा बच्चा है वो पुराना वाला भी पढ़ेगा, मतलब पढ़ लेते पुराना वाला,
काट देगा, काट देगा ना, भले वो 30 अप्रैल के बाद नोटिफाई हुआ बट काट दो ना, हट ही चुका। दुनिया में अब वैसा चीज नहीं होता, जो दुनिया में नहीं होता वो तुमको हम लोग क्यों पूछेंगे, और पूछेंगे भी तो तुम क्यों लिखेगा। तेरे को अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो तेरा गलती थोड़ी ना। प्रोस्पेक्टस यार बड़ा सिंपल चैप्टर था, इसमें कुछ ज्यादा ट्रिकनेस था नहीं। बहुत कम बच्चों को बताया कि प्रोस्पेक्टस इशू करने का दरकार नहीं रहता। बताओ दो एक्सेप्शन था ना, जब हम लोग अपने एग्जिस्टिंग मेंबर डिबेंचर होल्डर को कुछ इशू करेंगे, व्हेन कंपनी इज इशूइंग सिक्योरिटीज टू किसको, व्हेन कंपनी इज इशूइंग सिक्योरिटी टू एग्जिस्टिंग मेंबर डिबेंचर होल्डर, प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड कि नॉट रिक्वायर्ड, या जब आउटसाइडर को इशू कर रहे हैं लेकिन सेम क्लास ऑफ शेयर डिबेंचर विच ऑलरेडी लिस्टेड। दो केस में प्रोस्पेक्टस का दरकार नहीं है, एक तो जब आप अपने एग्जिस्टिंग मेंबर और डिबेंचर होल्डर को कुछ इशू कर रहे हो, या फिर आप आउटसाइडर को इशू कर रहे हो ऐसा शेयर डिबेंचर जो ऑलरेडी लिस्टेड है। एग्जिस्टिंग मेंबर डिबेंचर होल्डर को इशू कर रहे हो या फिर एग्जैक्टली यूनिफॉर्म शेयर डिबेंचर जो ऑलरेडी आप इशू कर रखे हैं एंड कोटेड इन आरएसी यानी लिस्टेड, आप प्रोस्पेक्टस में कुछ बात अगर वेरी करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, एसआरएन जीएम पास करना पड़ेगा, दो टीम न्यूज़पेपर में छापना, एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू डिसेंडिंग अभी पढ़े थे ना, एसआर पास करना पड़ेगा, दो न्यूज़पेपर, एग्जिट अपॉर्चुनिटी, ऑफ ऑफ सेल हम बता ही चुके हैं जब किसी और का शेयर आप ऑफर कर रहे हैं। पब्लिक इशू फिजिकल फॉर्म में होगा कि डीमैट फॉर्म में, हम पब्लिक इशू ला ही नहीं सकते फिजिकल फॉर्म में, इट हैज टू बी व्हाट, डीमैट। एडवर्टीजमेंट जब करोगे ना प्रोस्पेक्टस का, उसमें एमओए का सारा बात लिखना पड़ेगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, सिग्नेटरीज, एवरेज प्रोस्पेक्टस याद है क्या, कंडेंस प्रोस्पेक्टस रहता है क्या, कंपलसरी है, कंपलसरी। आपको पता है हम आपको कभी मेन प्रोस्पेक्टस दिखाए हैं, हाँ मेन प्रोस्पेक्टस दिखाए हैं, 200-300 पन्ना तक का चला जाता है। हाँ थोड़ा जिन लोगों को याद आ रहा है, हाँ देखे हैं मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो मेन प्रोस्पेक्टस 300-400 पन्ना का चला जाता है, औकात है तेरे पढ़ने का, मैट तो पढ़ा जाता नहीं है। मेरे और आप जैसे छोटे छोटे गरीब इन्वेस्टर लोग के लिए वो, हाँ हाँ कितना लगा देंगे हम, कुछ भी, बस कुछ भी, किसी एक कंपनी में हम 10 करोड़ रुपए लगा देंगे, नहीं अलग अलग कंपनी में लगाएंगे तो नहीं हम नहीं, तो बेटा अभी तो एक कंपनी का बात हो रहा है ना बेटा, थोड़ा बुद्धि लगा, मतलब तुम क्या करेगा, एक प्रोस्पेक्टस पढ़ करके 10 तो कंपनी में लगाएगा, एक प्रोस्पेक्टस पढ़ करके दूसरी का कंपनी में लगाएगा, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, और वो 10 लाख रुपया के लिए हम 400 पन्ना पढ़ने में अपना समय बर्बाद करें, 10 लाख तो तुम लोग से हाँ तो मेरे और आप जैसे गरीब लोग जिन लोग 1,00,000-2,00,000 कितना लगाएगा तुम, 1,00,000-2,00,000 अल्ट्रा गरीब का बात नहीं हो रहा, गरीब इन्वेस्टर का बात हो रहा है, हम लोग के पास 300-400 पढ़ने का हुनर भी नहीं है। ये सब ना म्यूचुअल फंड कंपनी QIB लोग जिन लोग 500-500, 1,000-1,000 करोड़ लगाएगा उन लोग के लिए, उन लोग तो एक एक माइक्रोस्कोप से पड़ेगा 300-400 पढ़ना। तो एक्चुअल में हम लोग कितना फुटेज खा रहे थे, हम लोग ऐसे पैसा नहीं लगाएंगे, कंपनी जानकारी दो, कंपनी अपने बारे में बताओ, कंपनी बोलो जानकारी चाहिए, मार इसके माथे पे 400 पढ़ना, इतना सारा नहीं चाहिए, पड़ेगा कौन। तो इसलिए एवरेज प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट आया, एवरेज प्रोस्पेक्टस भी दिखा दे कहां 400 पन्ना और कहां 10 पन्ना पन्ना में काम हो जाना था। तो इट्स अ कंडेंस्ड प्रोस्पेक्टस विच विल कंटेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन कंसाइज मैनर में, सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा, और जिसको डिटेल पढ़ना हो कहां पढ़ लेगा, प्रोस्पेक्टस, एवरेज प्रोस्पेक्टस के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अनेक्स रहेगा, नहीं तो पेनल्टी कितना था याद है ना, 50,000 फॉर ईच पॉइंट। और सुनो ना, एप्लीकेशन फॉर्म और एवरेज प्रोस्पेक्टस का सीरियल नंबर क्या रहेगा, सेम। शेल प्रोस्पेक्टस इसको इशू कर डाला तो अगला एक साल तक वापस से तेरे को प्रोस्पेक्टस लाने का दरकार, यू कैन ब्रिंग इन्यूमरेबल नंबर ऑफ पब्लिक इशू, हम लोग बार बार पब्लिक इशू ला सकते हैं कितना साल तक विदाउट इशूइंग प्रोस्पेक्टस अगेन, ये था शेल प्रोस्पेक्टस, पक्का।
बट जो चेंजेस होगा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम पास टू में जमा करना पड़ेगा ना। सेक्शन 32, 31 था शेल्फ प्रोस्पेक्टस, 33 था एवरेज, 32 क्या है रेड हेरिंग। इस रेड हेरिंग को इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। इसमें डिक्टेशन दिए थे, इसका क्वांटम और प्राइस लिखा हुआ नहीं है। को बता सकते कब तक इश्यू हो सकता है? प्रोस्पेक्टस इश्यू होने के पहले तक। माय गॉड, प्रोस्पेक्टस इश्यू होने के पहले तक। और कॉपी आपको 3 दिन पहले, ऑफर खुलने के 3 दिन पहले किसको जमा करना पड़ता है? आरओसी। डीम प्रोस्पेक्टस याद है क्या? हाँ, जब इशूइंग हाउस प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं इसको क्या बोलते हैं? डीम प्रोस्पेक्टस। इट मस्ट बी साइन बाई एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स ऑफ इशूइंग हाउसेस ऑफ कंपनी, एटलीस्ट 50% पार्टनरशिप इन द फर्म। फिर यार मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस बड़ा सिंपल था, क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड सिविल लाइबिलिटी। सेक्शन 34 क्या चीज का था? क्रिमिनल। हम एक चार्ट बनवाए थे जिसमें क्रिमिनल वर्सेस सिविल लाइबिलिटी लिखवाए थे। नहीं याद आ रहा है? क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए क्या मेंस रिया चाहिएगा? मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। सिविल लाइबिलिटी के लिए मेंस रिया हो भी सकता है। व्हाट मैटर्स इज लॉस टू पब्लिक। तुमने अगर मिसस्टेटमेंट जानबूझ करके मेंस रिया के साथ किया तो क्रिमिनल लाइबिलिटी अट्रैक्ट होगा, बट अगर विथ और विदाउट मेंस रिया किया बट लॉस टू पब्लिक हुआ बिकॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट, सिविल लाइबिलिटी अट्रैक्ट होगा। क्रिमिनल लाइबिलिटी बोलता है सेक्शन 447 फ्रॉड माना जाएगा, सिविल लाइबिलिटी बोलता है फ्रॉड नहीं माना जाएगा, बट जितना नुकसान हुआ पब्लिक को उसका भरपाई करना पड़ेगा। इसके ऊपर अपने बहुत सारा केस लॉ पढ़े थे, रेक्स वर्सेस लॉर्ड किल्सांट, रेक्स वर्सेस लॉर्ड किल्सांट। जिसको ये सब केसेस नहीं आता तत्काल भाव से मेरा वर्कबुक खरीदिए, इसमें सारा केस लॉज है। रेक्स वर्सेस लॉर्ड किल्सांट में हम लोग को झूठ नहीं बोले थे लेकिन आधा सच बोले थे। अगर हम बोले मेरा कंपनी लगातार डिविडेंड दे रहा 5 साल से और ये नहीं बताए हम लोग कैपिटल प्रॉफिट से दे रहे हैं तो लोगों को क्या लगेगा? ये तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जबकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं था, कैपिटल प्रॉफिट से दे रहा था, पिछले सालों का प्रॉफिट से दे रहा था, रिजर्व से दे रहा था, तो क्या मिसस्टेटमेंट माना जाएगा? क्रिमिनल सिविल दोनों अट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, सेक्शन 34 क्रिमिनल, सेक्शन 35 सिविल अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक हम लोग केस लॉ का नाम पढ़े थे पीक वर्सेस गुर्ने, बोलो रेक्स वर्सेस लॉर्ड किल्सांट में क्या हुआ था? डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट से दे रहे थे, ये बात छुपाए, क्या ये मिसस्टेटमेंट माना जाएगा? कुछ गलत बोलना और कोई जरूरी चीज छुपाना भी क्या है? मिसस्टेटमेंट। तो क्रिमिनल सिविल दोनों अट्रैक्ट हो गया था। पीक वर्सेस गुर्ने में क्या हुआ था पता? पीक वर्सेस गुर्ने में प्रोस्पेक्टस में सरासर झूठ लिखा हुआ था, बट ये शेयर होल्डर कंपनी से आईपीओ या एफपीओ में शेयर नहीं खरीदा, प्रोस्पेक्टस पढ़ा बट कंपनी से नहीं खरीदा, सीधा स्टॉक मार्केट से खरीदा या दूसरा शेयर होल्डर से खरीदा, क्या ये कंपनी के ऊपर केस कर सकता है? नहीं, क्योंकि तुमने कंपनी से शेयर नहीं खरीदा। जो कंपनी से शेयर खरीदेगा वही कंपनी को सीओ कर सकता है। ओके, तो प्रोस्पेक्टस भले गलत था तुम नहीं इशू कर सकता। यू डिड नॉट बाय द शेयर्स फ्रॉम द कंपनी, यू हैव ब्रॉट द शेयर्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट और सम अदर पर्सन। पीक वर्सेस गुर्ने में ये बोला गया था। क्लियर? क्रिमिनल लायबिलिटी दो केस में अट्रैक्ट नहीं होगा, दो एक्सेप्शन है क्रिमिनल लायबिलिटी का। ये रहा क्रिमिनल लायबिलिटी का दो एक्सेप्शन है। हाँ हाँ, जानबूझ करके झूठ बोला बट इट वॉज इमटेरियल। डायरेक्टर अपना एड्रेस जो है ना फर्स्ट फ्लोर की जगह थर्ड फ्लोर लिख दिया तो क्या ठोक दोगे उसको, जेल भेजोगे? तो जब मिस स्टेटमेंट मटेरियल था कि इमटेरियल, सच स्टेटमेंट और ओमिशन वॉज इमटेरियल, या फिर उसने जो भी बोला उसके पास सबूत था वो बोलने का, ही हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव। सिविल लायबिलिटी दो केस में अट्रैक्ट नहीं होगा, या तो प्रोस्पेक्टस उसके नॉलेज के, उस डायरेक्टर के नॉलेज के बाद इशू किया गया था, गांजा फूंक रहे हो विदाउट कंसेंट, डायरेक्टर के नॉलेज के बिना, डायरेक्टर के नॉलेज के बिना प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया गया, एंड जैसे उसको पता चला इमीडिएटली गेव अ नोटिस कि उस प्रोस्पेक्टस से उसका कोई लेना देना नहीं। या फिर दूसरा एक्सेप्शन ये था मजेदार था, वो डायरेक्टर बनने का कंसेंट दिया बट जब आकर के देखा क्या क्या कॉन्स्पिरेसी चल रहा है घबरा गया वो, अपना कंसेंट को क्या कह ले विड्रो। वो डायरेक्टर बना था कि कंसेंट दिया था लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले कंसेंट क्या कर दिया? विड्रो। बताओ क्रिमिनल लायबिलिटी का दो एक्सेप्शन बताओ, मिस स्टेटमेंट क्या था? इमटेरियल, या फिर उसके बाद क्या था? सबूत। सिविल लायबिलिटी का दो एक्सेप्शन बताओ जब अट्रैक्ट नहीं होगा, डायरेक्टर बनने का कंसेंट दिया विड्रॉ कर लिया, या उसको पता ही नहीं था प्रोस्पेक्टस के बारे में और जब पता चला उसने नोटिस दे दिया कि उसका प्रोस्पेक्टस से लेना देना नहीं। सेक्शन 36 यही बोल रहा है, जो तेरे को भड़काया है, लगा लगा है, लगा पैसा लगा, उसके ऊपर भी 447 अट्रैक्ट होगा। फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर भी 447 अट्रैक्ट होगा। सेक्शन 37 एकदम पकार है,
एग्री पर्सन क्या कंपनी को सू कर सकता है? हाँ। और 38 बहुत हो गया कंपनी, तुम लोग भी तो बदमाश हो सकते हो, तुम लोग भी तो शेयर एप्लीकेशन चार गलत नंबर भर सकते हो। यू हैव अप्लाइड फॉर शेयर्स इन रॉन्ग नेम, फिक्टिशियस नेम, गिवन रॉन्ग डिटेल, तेरे ऊपर भी 4% रुकेंगे। देखो 34 क्या था, 34 क्या था, क्रिमिनल लायबिलिटी। 35 क्या था, 34 वॉज क्रिमिनल, 35 वॉज सिविल, जो भड़काया पैसा लगाने के लिए। 36, 37 एक्शन बाई अग्री पर्सन, जो विक्टिम है वो कंपनी को सीओ करेगा। और 38 में तुम लोग भी तो बदमाशी कर सकते हो, गलत नाम पर शेयर अप्लाई किया उसके ऊपर भी 4.47। 39 तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर था ना, ये बड़ा सिंपल था 39। अगर ये सब में से कोई भी कंडीशन ब्रीच हो गया तो कोई बता सकता है क्या बोल रहे हैं इसको? इरेगुलर अलॉटमेंट। कोई बताओ अलॉटमेंट मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, बोलो। और जब अलॉटमेंट हो जाएगा विद इन 30 डेज, फॉर्म नंबर पास 3, अरे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट शुड बी सबमिटेड टू किसको? आरओसी, नहीं तो पेनल्टी 1000 रुपया पर डे से लेकर के 1 लाख, विच एवर इज लेस। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का फॉर्म नंबर बताओ किसको जमा करोगे? पक्का? सेक्शन 41 तो अपने चैप्टर 1 में पढ़ चुके थे ना, जीडीआर। जीडीआर कहां ट्रेड होता है, इंडिया में कि फॉरेन स्टॉक मार्केट? इशू इंडिया का कंपनी करता है, ग्लोबल पूरा लिखवाया हुआ है, इशूड बाय इंडियन कंपनी टू द फॉरेन इन्वेस्टर फॉर ट्रेडिंग इन फॉरेन स्टॉक मार्केट। इसको यूरो इशू भी बोलते हैं, याद आ रहा है? फॉरेन टू प्राइवेट प्लेसमेंट में कोई दम नहीं है, बहुत ही सिंपल था। बताओ प्राइवेट प्लेसमेंट एक स्पेसिफिक ऑफर है क्या कि जनरल ऑफर है? पब्लिक इशू क्या है? पब्लिक इशू एक पब्लिक इशू जनरल ऑफर है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट गवर्न बाय सेक्शन 42 इज नॉट अ जनरल ऑफर, इट इज अ स्पेसिफिक ऑफर। ओए, पब्लिक इशू इज अ जनरल ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट इज अ स्पेसिफिक ऑफर मेड टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। हम उन लोग को ऑफर लेटर भेजेंगे, हम उन लोग को ऑफर लेटर भेजेंगे और उन लोग का नाम हम पहले से रिकॉर्ड कर लेंगे कि हम किन लोग को टारगेट कर रहे हैं। और एक साल में आप मैक्सिमम, एक साल में मैक्सिमम 200 जन को ही भेज सकते हैं। एक्ट में 50 लिखा हुआ, 64 छाया लिमिट आज प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब कितना किया गया 200। एक साल में प्राइवेट प्लेसमेंट तुम अंधाधुन किसी को भी कर सकता है कि मैक्सिमम 200? प्राइवेट प्लेसमेंट जनरल ऑफर की स्पेसिफिक ऑफर मेड टू एनीवन के सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, इट्स अ स्पेसिफिक ऑफर मेड टू, फटाफट देखते रहो खुला साठ की तरह आप लोग रहिए, मेड टू, इट्स अ स्पेसिफिक ऑफर क्या, मेड टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन विच शुड नॉट एक्सीड 200, बट वाइल काउंटिंग द लिमिट ऑफ 200 QIB एंड एम्प्लॉई लोग काउंट नहीं होगा। क्या बात करते हो यार, मेरा एम्प्लॉई 5000 है, हम लोग को हिसाब दे देंगे अगर, तो तुम लोग बोलोगे देखो 5000 जो प्राइवेट प्लेसमेंट भेज हो गया, एम्प्लॉय लोग काउंटेड कि नॉट काउंटेड? QIB इज काउंटेड कि नॉट काउंटेड? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर लाइक म्यूचुअल फंड कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, दे आर काउंटेड इन 200 कि नॉट काउंटेड इन 200? इट्स अ स्पेसिफिक ऑफर मेड टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन हुज नेम्स आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड बाय द कंपनी, केवल उन्हीं लोगों को ऑफर लेटर भेज रहे हैं। मैक्सिमम 200 इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट, बट ये 200 काउंट होता है एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज एंड QIBs। आप नया प्राइवेट प्लेसमेंट तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक पुराना अलॉटमेंट नहीं हो जाता, पुराना इशू का अलॉटमेंट जब तक नहीं हो जाता या वो कैंसिल नहीं हो जाता। पुराना इशू का तुमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया अलॉटमेंट और तुम नया प्राइवेट प्लेसमेंट लाना चाह रहे, नहीं लाने देंगे जब तक प्रीवियस इशू का आपने अलॉटमेंट नहीं कर दिया हो या कैंसिल नहीं कर दिया हो। नो प्राइवेट प्लेसमेंट, बोलो, अनलेस अलॉटमेंट ऑफ द प्रीवियस इशू इज कंप्लीटेड और कैंसिल। नो कैश, नो प्राइवेट प्लेसमेंट, नो कैश। अच्छा, हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट को रुपया कैश मिलेंगे कि बैंकिंग चैनल से, चेक, ड्राफ्ट, बैंकिंग चैनल, बट कैश इज नॉट अलाउड। नो एडवर्टीजमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट जनरल ऑफर की स्पेसिफिक ऑफर है तो फिर एडवर्टीजमेंट का चीज का, नो एडवर्टीजमेंट। तो नो से 3-4 तो पॉइंट बोल दो, नो प्राइवेट प्लेसमेंट अनलेस, नो प्राइवेट प्लेसमेंट अनलेस द प्रीवियस इशू हैज बीन अलॉटेड और कैंसिल, नो एडवर्टीजमेंट, नो कैश। और सुनो, प्राइवेट प्लेसमेंट का जो रुपया आएगा वो हम लोग को सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ता है क्या? हाँ, उसको हम लोग यूज, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते जब तक क्या नहीं हो जाता है अलॉटमेंट, पक्का? अच्छा, लेकिन दो काम में यूज कर सकते हैं, रिफंड या एडजस्टमेंट टुवर्ड्स अलॉटमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का रुपया हम लोग बिजनेस पर्पस में तब तक यूज नहीं कर सकते हैं जब तक पूरा अलॉटमेंट का सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, और अगर रिफंड करना रहा तो रिफंड वहां से कर सकते हैं और एडजस्टमेंट टुवर्ड्स अलॉटमेंट से। याद आया, प्राइवेट प्लेसमेंट का जब रुपया तुमको मिल जाएगा, वंस एप्लीकेशन मनी रिसीव विद इन 60 डेज यू शुड कंप्लीट द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितना दिन में कर दोगे? 60 दिन में अगर अलॉटमेंट नहीं किया, 60 दिन खत्म हुआ, नेक्स्ट 15 दिन में रिफंड कर, नेक्स्ट 15 दिन में रिफंड नहीं किया तो 12% इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना पड़ेगा फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। थ्रू विद दिस
कुछ ऐसा, अलॉटमेंट ऑफ अलॉटमेंट सिक्योरिटी विद इन हाउ मेनी डेज, 60 डेज, कुछ ऐसा ये रहा। ओए इधर देखो चार्ट, कंपनी फेल्स टू डू द अलॉटमेंट सिक्योरिटी विद इन हाउ मेनी डेज, 60 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ, कहां से बताओ ना, एप्लीकेशन मनी, शेल रीपे द एप्लीकेशन मनी विद इन हाउ मेनी डेज, 15 डेज फ्रॉम एक्सपायरी, 60 डेज, नहीं तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट के साथ कितना परसेंट इंटरेस्ट फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ कहां से, 60 डेज, क्लियर है क्या? तो एक बार प्रोस्पेक्टस का फटाफट 23 से लेकर के 42 तक दोस्तों, तो चार्ट था ना, 25 वो डीम प्रोस्पेक्टस, 26 से आओ, 26 क्या था, 26 का मैटर्स टू बी सेडेड इन प्रोस्पेक्टस, 27 में उसका क्या था वेरिएशन, 26 में क्या था, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, 26 में मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, 27 में उसका वेरिएशन, 28 में क्या था ऑफर फॉर सेल, 29 डीमैट में रहेगा क्या, 30 टॉक्स अबाउट व्हाट एडवर्टाइजमेंट, 31 कम ऑन, 31 सेल्स था, 32 रेड हेरिंग, 33 एवरेज, एक सेकंड, 31 क्या था, 31 सेल्स था, उसके नीचे 32 क्या था रेड हेरिंग, 33 एकदम ऊपर एवरेज, 34 क्रिमिनल लाइबिलिटी, 35 सिविल लाइबिलिटी, 36 फ्रॉड फॉर दोज हु हैव इंड्यूस्ड, 37 एक्शन बाय अग्री पर्सन, 38 फ्रॉड माना जाएगा इफ यू हैव मेड अ फिक्टिशियस एप्लीकेशन, एक सेकंड 31 से बताओ 31 क्या था, 31 शेल, 32 रेड हेरिंग, 33 एवरेज, 34 क्रिमिनल, 35 सिविल, 36 फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग, 37 एक्शन बाय अग्री पर्सन, 38 रॉन्ग एप्लीकेशन फॉर्म तो भी फ्रॉड माना जाएगा, 39 इरेगुलर अलॉटमेंट, एंड 40 में सिक्योरिटी टू बी डेल्ट इन स्टॉक एक्सचेंज, क्यों देना कि सुनो, एक अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू ला तो सकता है लिस्टिंग के लिए, क्या करके, अप्लाई करके, अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू ला सकता है लिस्टिंग के लिए, अप्लाई कर, बट अलॉट तब तक नहीं कर सकता जब तक अप्रूवल नहीं मिला। अच्छा, मैंने 3 स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई किया, 2 ने अप्रूवल दे दिया, तीसरा रिजेक्ट कर दिया, रिफंड, जहां जहां अप्लाई किए थे सबसे अप्रूवल चाहिएगा, ये 40 था, 41 क्या था जीडीआर, 42 क्या था प्राइवेट बिजनेस, क्लियर है क्या दोस्तों?